यहाँ पे महादेव के पास बिल्कुल भी गंध ना डालें। और देखा हमने यहाँ पे महादेव के पास कितना गंध डाला है। तो ये है बूढ़ी हैंड और यहाँ पे कभी भी ग्लेशियर पिघलता नहीं है, हमेशा ग्लेशियर होता है स्थान पे। और बादल फटने के बाद यहाँ का ग्लेशियर का नामो निशान नहीं बचता है। देख सकते हैं बूढ़ी हैंड के पास बादल फटा हुआ है, बहुत ही खराब हो गया रास्ता। अब चले वापस की ओर। जय शंकर, हर हर महादेव। तो यहाँ पे महादेव के पास बिल्कुल भी गंध ना डालें। और देखा हमने यहाँ पे महादेव के पास कितना गंध डाला है। सफाई का विशेष ध्यान दें। जय शंकर, हर हर महादेव। तो महादेव की नगरी से हम प्रस्थान कर रहे हैं घर की ओर, स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बर्फ, ग्लेशियर ग्लेशियर, इतनी सारी ग्लेशियर। यहाँ देखो कितने बड़े पिट्ठू बनाए हुए। जय शंकर, जय शंकर, हर हर महादेव। देख सकते हैं ग्लेशियर। जय भोले, हर हर महादेव। नजदीक पीछे ग्लेशियर है और एक ताज़ा बर्फ आई ऊपर से। तो यहाँ पे इतने सारे पत्थर है, क्या आप बता सकते हैं। ये पीछे जो मांडवशिला है, यहाँ पे जो भी शिखरखंड यात्रा करने के लिए आता है कृपया करके विशेष ध्यान दें, पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत कम यूज़ करें। यहाँ देख सकते हैं कितना सारा पॉलीथीन है और नीचे भी बहुत सारा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंध फैलाया है इधर। ये रास्ते में क्या क्या मिल रहा है हमको। ओम ओम नमः शिवाय। यहाँ देख सकते हैं माता पार्वती का बगीचा फूलों से भरा हुआ। सूखे पार्वती बगीचा, यहाँ देख सकते हैं फूल ही फूल है चारों तरफ, नीचे तक फैला हुआ है। पीछे का मौसम बिल्कुल खराब है, ये हमारे ब्लॉगर। यहाँ देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खुल चुका है और हमारे लिए भी अच्छा बन चुका है। हम घर की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ देखिए फोटोग्राफी। तो हम अपने डेरे को अलविदा कह रहे हैं, चलते हैं अब आगे की ओर, ये वापसी की ओर। शाम को घर पहुंचना है, वहाँ पहुंचने अभी हमने हमारा नाइट का डेरा। देखिए कितने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कैसे कैसे जाम पड़ रहा है। ये शिखरखंड यात्री घर की ओर रवाना होते हुए। हर हर महादेव। शिखरखंड महादेव को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर रवाना होते हुए फिर कभी मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ग्लेशियर होता था वहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा ग्लेशियर पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। और यहाँ पे जो अभी पीछे बादल फटा था और वही गानी वाला, और गानी वाला जो अभी यहाँ से गया है, यहाँ से नीचे गया है। और इस जगह का नाम बूढ़ी हैंड था और तभी उस ग्लेशियर की वजह से इसका नाम बूढ़ी हैंड पड़ा। और आज के देख सकते हैं आप ग्लेशियर ही रहा। जहाँ इस ग्लेशियर को चढ़ने के लिए 5 मिनट लगते थे, अब देख सकते हैं इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के लिए 15-20 मिनट लग रहे हैं, वो भी थोड़ा रिस्की है। यहाँ देख सकते हैं आप कितना
नुकसान हुआ है। नीचे तक ये जो ये ग्लेशियर फटा, ये पहुंचा सीधे गानवी खड़ में। यहाँ देख सकते हैं आप, जो भी शीतखंड यात्रा करने के लिए आएगा कृपया ध्यान से आए, इस नाले को क्रॉस ध्यान से करें, कभी भी आ सकता है दोबारा से। देख सकते हैं आप पीछे पूरा ये ग्लेशियर आया हुआ है, और नीचे देख सकते हैं आप नीचे के लिए, तो यहाँ पे अभी भी पानी आ रहा है। इस ग्लेशियर की एक पिक है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। एक टूरिस्ट आया है, उत्तराखंड से आया टूरिस्ट। देख सकते हैं कितना रिस्की है चढ़ना इस पहाड़ के ऊपर, तो कृपया करके ध्यान से आए इस ग्लेशियर में गहराई। ये है भेड़ बकरिया, ये है हमारी फाल। जय शंकर। देखो चार तरफ कोरा ही कोरा। बाबा जी की गुफा के पास पहुंच चुके हैं। जय हो बाबा जी। हाँ। देख सकते हैं आप कितनी इधर कहीं देख लो। पता नहीं होता कौन सी बाड़ी है है पर वह कौन सी वाली है। ये हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, बकरियों की जनसंख्या बहुत कम, 3 बकरी। Yeah.